इससे पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के दरमियान रिलेशन देखा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.10 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड ए जी H and show that G square is equal to AH. ये हमारे पास arithmetic mean है, G geometric mean है, H harmonic mean है. पहला part है A is equal to माइनस टू एंड बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। अरिथमेटिक मीन हमारे पास होता है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू। ए की जगह पे माइनस टू पुट कर दें, प्लस बी की जगह पे माइनस सिक्स पुट कर दें, डिवाइडेड बाय टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। ए की जगह पे माइनस टू पुट करें, बी की जगह पे माइनस सिक्स पुट करें, स्क्वायर रूट लें, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ट्वेल्व स्क्वायर रूट। उसके बाद हार्मोनिक मीन फाइंड करें। हार्मोनिक मीन हमारे पास होता है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab over a plus b, 2 into a की जगह पे माइनस टू पुट कर दें, b की जगह पे माइनस सिक्स पुट कर दें, डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस टू माइनस सिक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 over माइनस एट विच इज इक्वल टू माइनस थ्री। हमारे पास अरिथमेटिक मीन भी आ गया, ज्योमेट्रिक मीन भी आ गया, हार्मोनिक मीन भी आ गया, वह हमने तीनों फाइंड कर लिए। अब हमने शो करना है कि जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एच। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वेयर ले लें। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास है प्लस माइनस ट्वेल्व स्क्वेयर रूट, इसका हम स्क्वेयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्वेल्व। उसके बाद राइट हैंड साइड पे ए एच फाइंड करें। ए एच इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एच। ए हमारे पास है माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय एच, हार्मोनिक मीन हमारे पास है माइनस थ्री, तो ये हमारे पास आ गया ट्वेल्व। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एच। बाकी क्वेश्चन भी इसके जितने पार्ट्स हैं इस तरीके से करने हैं। पहले आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे, हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वेयर ले लेंगे, आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका एक रिजल्ट आ जाएगा। अगर इसका आंसर और ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वेयर का आंसर सेम होगा तो इट मीन्स दैट हमने प्रूव कर दिया जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एच। इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप खुद इजीली कर लेंगे। देन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन एंड वेरीफाई दैट अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे और उसके बाद इनको वेरीफाई करेंगे। पहला पार्ट ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू एट। पहले आप फाइंड कर लें अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 8 बाय 2 विच इज इक्वल टू 10 ओवर 2 विच इज 5।
उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट प्लस माइनस ए की जगह पे 2 पुट कर दें, बी की जगह पे 8 पुट कर दें स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 4। यहाँ पे एक चीज़ उसने हमें यही बता दी है कि जी इज ग्रेटर देन 0, हम सिर्फ पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लेंगे। उसके बाद हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी, वैल्यूज पुट कर दें 2 × 2 × 8 ओवर 2 + 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32/10 विच इज इक्वल टू 3.2। तो आप यहाँ से देख लें कि ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन 5 है वो ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन से जो कि 4 है, और ज्योमेट्रिक मीन जो 4 है ये ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से जो कि 3.2 है। सो हमने प्रूव कर दिया अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। इससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे, और इससे अगला जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, उसको भी आपने खुद करना है। उसमें ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास नेगेटिव होंगे, और हमने ये शो करना है कि अरिथमेटिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन हार्मोनिक मीन। वो भी बिल्कुल इसी तरीके से, पहले आप अरिथमेटिक मीन को फाइंड कर लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड कर लेंगे, हार्मोनिक मीन को फाइंड कर लेंगे। और नेगेटिव नंबर्स के लिए आप देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन जो है वो लेस होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन लेस होगा हार्मोनिक मीन से। देन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 4 एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन सेम नंबर्स इज 9/2 फाइंड नंबर्स। हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके दरमियान हार्मोनिक मीन 4 है और अरिथमेटिक मीन 9/2 है। हार्मोनिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2ab/a + b, तो उसने हमें बता दिया कि वो इज इक्वल टू 4 है, और अरिथमेटिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b/2, वो उसने हमें बता दिया कि 9/2 है, और हमने a और b को फाइंड करना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2ab/a + b इज इक्वल टू 4, या a + b इज इक्वल टू 2ab/4, और a + b इज इक्वल टू ab/2। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, a + b/2 इज इक्वल टू 9/2, और a + b इज इक्वल टू 9, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो वहां से कैंसिल हो जाएगा, एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, a + b इज इक्वल टू ab/2 एंड a + b इज इक्वल टू 9। दोनों ये a + b जो है ab/2 के इक्वल है, ये a + b जो है 9 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ab/2 इज इक्वल टू 9 और ab इज इक्वल टू 18। अब हम इनको यूज करते हुए a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, a + b हमारे पास इज इक्वल टू 9 है और ab जो है वो 18 है। यहां से मैं अगर b की वैल्यू निकालूं तो b इज इक्वल टू 18/a, ये b की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, a + b इज इक्वल टू 9 और a प्लस
18 over a is equal to 9, या ये हमारे पास हो जाएगा a square minus 9a plus 18 is equal to 0. ये हमारे पास एक quadratic equation बन गई है in a. इस equation को जब हम solve करेंगे तो हमारे पास factors इसके बन जाएंगे a minus 6 and a minus 3 is equal to 0. दो values हमारे पास आ गई a और b की. a is either 6 और a is 3. ये a की value जब हम इस equation में put करेंगे तो हमारे पास b की value आ जाएंगी. अगर हमारे पास a की value 6 होगी तो b की value 3 होगी, क्योंकि a plus b is equal to 9. और अगर हमारे पास a की value 3 होगी तो b की value हमारे पास 6 होगी. तो हमने वो numbers find कर लिए जिनके दरमियान harmonic mean 4 है और arithmetic mean 9/2 है. अगर आप इसको check भी कर लेंगे reverse तब भी आपके पास ये proof हो जाएगा. मिसाल के तौर पे अगर मैं इन दो numbers के दरमियान arithmetic mean find करूं, a plus b over 2, 6 plus 3, 9 over 2 which is 9/2. तो हमारे पास ये दो numbers आ गए. Then is last question of this exercise, question number 17. Question number 17 is, if positive geometric mean between two numbers is 4 and harmonic mean between the same numbers is 16 over 5, find numbers. ये क्वेश्चन भी हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन किया. फर्क थोड़ा सा ये है कि वहां पे हमारे पास हार्मोनिक मीन के साथ अरिथमेटिक मीन दिया गया था, यहां पे हार्मोनिक मीन के साथ ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है. क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है ए बी स्क्वायर रूट, तो वो हमें दिया गया है 4. सो ए बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4. या अगर मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लूं तो ए बी इज इक्वल टू 16. ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन. दूसरा, हमें हार्मोनिक मीन दिया गया है, तो जैसे कि हमें पता है कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2 ए बी ओवर ए प्लस बी, वो हमें दिया गया है 16 ओवर 5. सो 2 ए बी ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू 16 ओवर 5. यहां पे a b की जगह पे अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं 16, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 16 ओवर 5. इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 32 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 16 ओवर 5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये हो जाएगा 32 इंटू 5 इज इक्वल टू 16 इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 32 इंटू 5 ओवर 16 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 10. एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई a प्लस b इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन है a b इज इक्वल टू 16. अब आप इन दोनों को यूज करते हुए वैल्यूज फाइंड कर लेंगे a और b की. जब आप वैल्यूज फाइंड, जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन में की, जब आप वैल्यूज फाइंड करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आएगी 2 और a की वैल्यू आएगी 8. अगर a की वैल्यू 2 होगी तब b की वैल्यू 8 होगी, और जब a की वैल्यू 8 होगी तो b की वैल्यू 2 होगी. इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए आप इजीली फाइंड कर लेंगे. यहां से एक वैल्यू निकालें a की या b की, यहां पे पुट करें, आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी. उसको सॉल्व करें तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी. वो वैल्यूज अगेन यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास दूसरे नंबर की वैल्यू आ जाएगी. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज.